नमस्ते बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतेंदु युग के विषय में पढ़ा था या चर्चा की थी कि भारतेंदु युग की जो समय सीमा थी वो क्या थी, भारतेंदु युग के कवि कौन थे, भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि थे और उनकी जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं थीं, काव्य ग्रंथ थे, उसके विषय में चर्चा की और भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं थी उसके विषय में भी विस्तार से चर्चा हुई थी। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा है आपकी क्या, सन 1900 से 1918 तक। कितने वर्षों का काल था द्विवेदी युग? 18 वर्षों का, सन 1900 से 1918 का। इस द्विवेदी युग का नाम पहले क्या था? जागरण सुधार काल। ठीक, लेकिन जागरण सुधार काल का नाम द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा, यह प्रश्न इस तरह से पूछा भी जाता है, तो जागरण सुधार काल का जो नाम है द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम। क्योंकि इस द्विवेदी युग की या जागरण सुधार काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी सरस्वती पत्रिका। कौन सी? सरस्वती पत्रिका। इसका प्रकाशन सन 1900 से प्रारंभ हुआ था और जो द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल की जो प्रारंभिक समय सीमा थी वो भी सन 1900 ईस्वी। तो द्विवेदी युग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन और इसके जो संपादक थे वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, सबसे पहले तो जो प्रथम संपादक ये पूछा जाएगा, तो प्रथम संपादक थे इसके श्याम सुंदर दास, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास। वो मात्र 3 वर्षों तक संपादक रहे, सन 1900 से 1903 तक। कब से कब तक? 1900 से 1903 तक। तत्पश्चात 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक, यानी 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन और प्रकाशन किया। ठीक, तो इस कारण से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जागरण सुधार काल के लिए बहुत ही कार्य किए, बहुत संघर्ष किए और सरस्वती पत्रिका का जो संपादन था वो भी इन्हीं के माध्यम से हुआ, इनके द्वारा हुआ। इसलिए द्विवेदी युग की ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसी कारण से इस जागरण सुधार काल का नाम द्विवेदी युग रखा गया। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर, किस विद्वान के नाम पर रखा गया है। तो किसके नाम पर? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है, तो अब आते हैं कि जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे वो कौन कौन थे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि देखिए, सर्वप्रथम तो पहले कवि थे कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, दूसरे थे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, और तीसरे कवि थे अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, हरियोद इनका टाइटल नेम है, शीर्षक। ठीक है, केवल हरियोद के नाम से भी जाने जाते। ठीक, इसके पश्चात में आगे आपके कवि हैं चौथे जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक, फिर आगे श्रीधर
पाठक हैं, फिर मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है, और राम नरेश त्रिपाठी, नाथू राम शर्मा शंकर, नाथू राम शर्मा शंकर, ये आपके द्विवेदी युग के प्रमुख प्रमुख कवि थे, ठीक है। अब इसके पश्चात में जब ये प्रमुख प्रमुख कवि हो गए, तो अब इसके पश्चात में हम लोग इनके जो प्रमुख काव्य संकलन हैं, कविताएं हैं, या उनके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें कि किन किन कविताओं की रचना की, ठीक है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं थी वो कौन थी? हे कविते हैं, नागरी तेरी यह दशा, और अयोध्या का विलाप, ठीक, ये प्रमुख इनकी रचनाएं थी। इसके पश्चात में फिर आते हैं आपके मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, साकेत है, रंग में भंग, ठीक है, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर और जयद्रथ बद, ठीक, जिसमें से आपके पाठ्यक्रम में पहले कवि है मैथिली शरण गुप्त, जिनका साकेत का आपको अष्टम सर्ग पढ़ना है, ठीक है। उर्मिला का जो वियोग वर्णन है वो साकेत में वर्णित है, ये आपके पाठ्यक्रम में है, ठीक है। इसके पश्चात में फिर मैथिली शरण गुप्त के बाद में आते हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। इनकी देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की? प्रिय प्रवास, रस कलश और वैदेही वनवास, ठीक, ये आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय अयोध्या की रचनाएं हो गई। इसके पश्चात में फिर आते हैं आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं वो हैं ऊधव शतक, ऊधव शतक, गंगा अवतरण और हिंडोला, ठीक है। फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर के पश्चात में आपके पांचवें कवि हैं श्रीधर पाठक, कौन है? श्रीधर पाठक, इनकी रचनाएं हैं गुणवंत हेमंत, कौन कौन सी? गुणवंत हेमंत, जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई सार, और जगत सच्चाई सार के बाद में है कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा, ये आपके श्रीधर पाठक की रचनाएं हो गई, ठीक। इसके पश्चात में श्रीधर पाठक के पश्चात में आपके अगले कवि हैं मुकुटधर पांडे, कौन है? मुकुटधर पांडे,
इनकी कविताएं हैं पूजा फूल और कानन कुसुम। पूजा फूल और कानन कुसुम, ठीक। ये हो गए आपके मुकुटधर पांडे। इसके पश्चात में आते हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं वो हैं कौन कौन सी, मौर्य विजय, पाथेय, दैनिकी और बापू, ठीक। ये आपके प्रमुख कवि हुए और उनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक। इसके पश्चात में फिर आता है आपका क्या, द्विवेदी युग की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। देखिए प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां अगली विशेषताएं, ठीक है। देखिए नंबर एक क्या विशेषता है, राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना ये पहली विशेषता है। हालांकि भारतीय युग की भी विशेषता रही है राष्ट्रीयता, ठीक है। तो द्विवेदी युग की जो पहली विशेषता है वो राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता की भावना। इसमें क्या है कि इस युग की जो कविता में देशभक्ति एवं जो राष्ट्रीयता की भावना है वो भारतीय युग से कहीं और अधिक उद्दीप्त हुई है। भारतीय युग में हालांकि राष्ट्रीयता थी, लेकिन इस द्विवेदी युग में जो देशभक्ति की और राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो और अधिक उद्दीप्त हुई और अधिक मुखरित हुई, ठीक। इसके विषय में हमारे जो नाथुराम शर्मा शंकर एक कवि है द्विवेदी युग के, उन्होंने कहा है क्या कि देशभक्त वीरो, देशभक्त वीरो मरने से नेक न डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, ये किसका स्टेटमेंट है, नाथुराम शर्मा शंकर का। नाथुराम शर्मा शंकर, ये द्विवेदी की जो राष्ट्रीयता की भावना के विषय में स्टेटमेंट है। इस तरह के स्टेटमेंट पूछे भी जाते हैं कि देशभक्त वीरों मरने से नेक न डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यह कथन किसका है, ये कथन किसका है, नाथुराम शर्मा शंकर का। इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त जी भी कहते हैं क्या कि धरती हिलकर नींद भगा दे, क्या धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे। ये कौन कहता है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। इस राष्ट्रीयता के विषय में, राष्ट्रीयता की जो भावना है उसके विषय में ये कहते हैं, ठीक। इसके पश्चात में दूसरी जो विशेषता है वो है आपकी नीति एवं आदर्श। क्या है, नीति एवं आदर्श, द्विवेदी युग की दूसरी विशेषता है कि द्विवेदी युग जो काव्य था वो आदर्शवादी था एवं नीतिपरक था। कैसा था, आदर्शवादी था और नीतिपरक था। इस विषय में
जो द्विवेदी युग के कवि है राम नरेश त्रिपाठी जी, वो भी कहते हैं इस नीति एवं आदर्श परक विशेषताओं के माध्यम से, वो अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं क्या कि गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिका हीन यों ही फीका है मनुष्य का, फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। कौन कहता है? राम नरेश त्रिपाठी। ये कहते हैं क्या कि गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। कि जिस प्रकार से गंध विहीन फूल हैं जैसे, जिस प्रकार से गंध के बगैर, विहीन मतलब बगैर हैं, बिना खुशबू के, बिना महक के फूल बेकार हैं, और चंद्र चंद्रिका हीन, चंद्र माने चंद्रमा और चंद्रिका मतलब प्रकाश, यदि चंद्रमा और चंद्रमा क्या है, प्रकाश के बगैर बेकार है, चंद्र चंद्रिका हीन बेकार है, उसी प्रकार से यूं ही फीका है मनुष्य का, उसी प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है ये प्रेम के बगैर बेकार है। ठीक, ये नीति एवं आदर्श परक जो विशेषता थी, ठीक है। इसके पश्चात में इनकी तीसरी विशेषता है क्या, तीसरी विशेषता है वर्ण विषय क्षेत्र विस्तार, वर्ण विषय एवं क्षेत्र विस्तार। ये इनकी तीसरी विशेषता है द्विवेदी युग की, क्या कि जो कविताओं का जो क्षेत्र है, वर्ण विषय, वर्ण मतलब वर्णित जो विषय हैं वो उनका विस्तार हुआ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस विषय में कहा है क्या कि चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत पशु है, और भिक्षुक से लेकर के राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर के समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी और अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध है कवि कर्तव्य में कहा है क्या कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर के राजा पर्यंत मनुष्य, और बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी और अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो इसी बात को लेकर के एक जन सामान्य छोटी छोटे विषयों पर बहुत सारी कविताएं होने लगी, ठीक। तो ये भी बहुत बड़ी विशेषता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये कथन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये किस आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से है, तो किस निबंध से है, कवि कर्तव्य, ठीक। इसके पश्चात में चौथी विशेषता है इति वृत्तात्मकता। पांचवी विशेषता है आपकी अनुमोदित रचनाएं। क्या है? अनुमोदित रचनाएं। और छठवीं विशेषता है आपकी काव्य भाषा का खड़ी बोली में प्रयोग, ठीक। इसके बाद में सातवीं विशेषता है सामाजिक समस्याओं का चित्रण, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। ये विशेषताएं हैं अनुदित रचनाएं, मतलब इस युग में बहुत से ऐसी कविताएं थी या काव्य ग्रंथ थे जिनका अनुवाद भी किया गया, ठीक है। जैसे गोल्ड स्मिथ की जो रचना थी द हर्मिट, द डिटर्चेड विलेज,
इस तरह की कविताओं का श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी और उजल ग्राम, श्रांत पथिक आदि नाम से अनुवाद भी किया। काव्य भाषा का खड़ी बोली में प्रयोग, तो इस युग में जो काव्य भाषा थी उसका खड़ी बोली में भी प्रयोग किया जाने लगा। पहले क्या था कि जो काव्य भाषा का जो प्रयोग था वो ब्रजभाषा में ही हुआ करता था, लेकिन द्विवेदी युग में काव्य भाषा का जो प्रयोग है वो खड़ी बोली में भी किया जाने लगा। इसके पश्चात में क्या है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, इस युग में सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी किया गया। ठीक, कि इस युग में अछूतोद्धार, जो अछूत वाली समस्या थे कि ये निम्न वर्ग से हैं, ये उच्च वर्ग से हैं, इस पर भी कवियों ने बहुत संघर्ष किया और इस समस्या से निजात दिलाया। स्त्री सुधार, स्त्रियों की जो दशा थी वो भी बहुत ही कमजोर थी, तो उसको भी सुधारने का प्रयास युग में किया गया है। जो दहेज प्रथा का जो प्रचलन था उसके विषय में भी इस युग में बहुत ही कार्य हुए। तो इस प्रकार से ये द्विवेदी युग की जो कवि थे उनकी रचनाएं थी और उनके प्रवृत्तियां, जो द्विवेदी युग की विशेषताएं थी, उन पर आज चर्चा हुई। ठीक, तो बस आज की क्लास आपकी यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग छायावाद के विषय में चर्चा करेंगे। छायावाद किसे कहते हैं, छायावाद के कवि कौन से हैं, उनकी कौन सी रचनाएं हैं और छायावाद की विशेषताएं क्या हैं, इस विषय में अगली क्लास में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।